न्योली नाद सुभान गति लड़े भुजंग हमेशे जड़ी जान जगदी से है विसना व्यापे शेष। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहेब जी अपनी अमृतवाणी में के जैसे नेवला, नेवला एक जानवर होता है वो 9-1 इंच का हो, से गिलहरी आपने देखी हो, गिलहरी इससे थोड़ा बड़ा होता है और ब्राउन कलर के उसके बाल होते हैं, बाल ब्राउन कलर होता है, ऐसा ही मिलता जुलता इतना ही प्राणी होता है और वो सर्प को मार देता है। सर्प कितना लंबा होता है, को 6-6, 7-7 फुट का, 8-8, 10-10 फुट का लंबा हो जाता है, लेकिन वो छोटा सा प्राणी उसको कैसे मार सकता है, उसकी एक विधि एक तरीका है उसके पास। वो सर्प को उस समय छेड़ता है जब उसको आसपास ये पता होता है कि इस झाड़ी में वो जड़ी है, उस जड़ी को सूंघ लेता है, उस जड़ी की महक को अपने अंदर समा लेता है और आकर के सर्प के सामने खड़ा होकर नेवला अपने श्वास छोड़ देता है। उस जड़ी की महक सूंघ कर जो आया था वो सर्प को सूंघा दी, उस जड़ी के सामने, उस जड़ी की महक के सामने सर्प को चक्कर आने लग जाते हैं, वो बेसुध हो जाता है। अब नेवला क्या करता है, जड़ी उस झाड़ी में जाता है, वो सूंघ कर आता है उस जड़ी को और सर्प के सामने दूर से निकट आकर के, कभी दूर हो जाता कभी निकट आता है और ऐसे छोड़ देता है उसको श्वासों को। अब सर्प चक्कर काट, वो डरता उस जड़ी से तो भागने की चेष्टा करता है और कुछ उसको वो ऐसे डगमग सा हो जाता है, तो फिर भाग के वो जंप लगा के नेवला उसके पीछे सर्प के शीश पर आ बैठता है पाछे गए और उसको पकड़ देता है और फिर मुंह के ऊपर फिर श्वास फिर छोड़ता उसके और वो कति बेसुध हो जाता है। तो सर्प को पकड़ के मार डालता है, नोच डालता है, खत्म कर देता है मुंडी से, मुख से, फन से खत्म कर दे, फिर मर जाता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि ये काल तो समझ ले अजगर है और आप नेवला हो, इस काल को आपने कैसे जीतना है उसकी विधि है। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की साधना, उस जगदीश की साधना, वो जड़ी है और उस सच्ची साधना सतनाम के के आगे कहते हैं शेष नाग भी हो, यानी यहाँ के जो छोटे मोटे काल के व्यवस्थक अनुचर ये देवता भैरव भूत आदि इनका तो कहना है कि है, अगर इस नाम के सामने वो काल भी आ जाएगा तो भी उसकी नहीं बसावेगी तुम्हारे सच्चे नाम के सामने मर्यादा से भक्ति करने वाले की। न्योल नाद सुभान गति ये लड़े भुवंग हमेश जड़ी जान जगदीश है विसना व्यापे शेष।